सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुग्गा घाट में केंद्रीय एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कशिश शर्मा, द्वितीय पुरस्कार भूमिका और तृतीय पुरस्कार मुस्कान को दिया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य मीना वर्मा और केंद्रीय एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन के अध्यक्ष MY पठान एवं अन्य कर्मचारी इस दौरान उपस्थित रहे। मैं MY पठान, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, केंद्रीय एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन केंद्र जो चंपागढ़ में हमारा ऑफिस है, हमारा केंद्र सरकार में मिनिस्टर एग्रीकल्चर के अंदर में ये ऑफिस है। हम लोग आजकल आज 12th को हमने एक इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया। आपने कहीं जाना इसके बारे में नहीं, प्लांट इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे कहीं देखा था मोबाइल वाले के हम मना रहे हैं? सो हमने इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे के उपलक्ष्य में एक हमारा एक प्रोग्राम यानी आपके स्कूल को हमने सिलेक्ट किया है, उसमें एक ऐसे का कॉम्पिटिशन रखा है। ऐसे कॉम्पिटिशन में हमने हमारा जो सर ने बताया ना कि सेव प्लांट्स एंड सेव प्लेनेट, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या आपकी क्या जानकारी है उसके बारे में कैसे रखा है हमने, तो वो ऐसे कंपटीशन में जो भी पैडम बोलेंगे अपना हिस्सा लेंगे, उसके बाद हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे वेलिड करेंगे। तो प्लांट्स के बारे में ये है कि प्लांट्स तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए इकोनॉमिक इकोलॉजी के लिए पेड़ फसलों पर मतलब सेव नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारी दूसरी मतलब जरूरत के मुताबिक हम लोग उसको नष्ट करते जा रहे हैं, तो हमको ये प्लांट को सेव करना है। तो सेव करने के साथ में हमको उसको सेव से रखना है, हेल्दी रखना है। उसके लिए क्या है कि आजकल हम लोग देखते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर भी है उसके अंदर हम लोग इतनी केमिकल यूज करते हैं, रासायनिक जो हम लोग यूज सोलन की तरफ से आज हमने ये स्कूल में एक कंपटीशन का ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया था, उसमें करीब 20 से 25 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और उसमें सेव प्लांट सेव अर्थ के बारे में ऐसे का कंपटीशन था, उसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से भाग लिया कंपटीशन में और अच्छे अपने विचार प्रकट किए और उस पेज पे हमने उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देकर उनको सम्मानित किया और उनको आगे के लिए किसानों को भी मतलब उसको अवेयर करने के लिए करके उनको जागरूक किया। सर ये प्रोग्राम